हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू टाटा नेक्सन। एंड दोस्तों, अगर वेरिएंट की बात करें ना, तो दोस्तों ये आपका बेस से एक ऊपर वेरिएंट, यानी आपका बेस वेरिएंट आता है स्मार्ट, तो दोस्तों ये आपका स्मार्ट प्लस वाला वेरियंट। सो ओवरऑल दोस्तों, टाटा नेक्सन काफ़ी पॉपुलर कार है एंड सेगमेंट। बाकी बात करें तो आपकी मतलब सब 4 मीटर सेगमेंट में दोस्तों कार आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर दोस्तों वेरिएंट है आपका स्मार्ट प्लस एंड एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, तो 9,20,000 पर दोस्तों उसका एक्स शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें दोस्तों, 10.5 लाख रुपए की अब कार देखने को मिल जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इसका पेट्रोल वेरिएंट, जो कि आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सो दोस्तों, इस कार से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बुकिंग या क्वायरी करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं समर्थ कार्स ग्वालियर को। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भेजा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इस कार का कंप्लीट वॉकराउंड एंड जानेंगे कि आपको इसमें लगभग 10.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको देखिए काफ़ी विड्थ आपको गाड़ी मतलब काफ़ी चौड़ी आपको कार देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों कनेक्टिंग DRLs देखने को तो नहीं मिलते, बट ये आपके DRLs हैं एंड यही आपके वर्क करेंगे ऐसे टर्न सिग्नल। नीचे आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि आपकी रहती हैं LED में, एंड कोई भी आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेंटर में बात करें तो देखिए टाटा का लोगो मिलता है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में पूरी आपको ग्रिल मिलती है। नंबर प्लेट की पोजीशन है एंड 208 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी ये आपको मैट ब्लैक में पूरा बम्पर देखने को मिल जाएगा। सो ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। साइड से गाड़ी काफ़ी अच्छी है एंड ऑलमोस्ट 4 मीटर की दोस्तों आपको कार देखने को मिलेगी। सो इसमें आपको ऑटो रेसेंसिंग वाइपर देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल से वाइपर मिल जाएंगे। एंड रियर व्यू मिरर की बात करें या साइड मिरर की, तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। नीचे कोई भी आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। ये आपके ऑटो फोल्डेबल तो नहीं है, बट आप इन्हें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ उस टाइप से, यानी ये आपको मिलती हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। रूफ रेल्स नहीं मिलती, सनरूफ भी आपको नहीं मिलेगा। डोर हैंडल्स की बात करें तो देखिए आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स एंड 2498 mm का दोस्तों इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। बाकी रियर टायर में दोस्तों आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। एंड फ्रंट की बात करें तो आइए एक बार तो देखिए, पहले आपको मिलते हैं स्टील व्हील रिम के साथ। एंड टायर साइज़ की बात करें 195/60R16 का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, कोई भी आपको व्हील कैप वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, कंपनी से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक में आएंगे तो बैक प्रोफाइल देखिए, काफ़ी मतलब सिंपल सोवर गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सो बैक में आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, टाटा का लोगो मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको मिलती है हाई माउंट स्टॉप लाइट या पार्किंग लाइट शायद आपकी देखने को मिलती है। कनेक्टिंग DRLs आपको देखने को मिलते हैं, बट बीच वाला पार्ट आपका ग्लो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका लगभग टॉप या सेकंड टॉप मॉडल में ग्लो करता है। एंड यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिल जाते हैं जो कि अभी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी 2 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएंगे, 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, नंबर प्लेट की पोजीशन है, लोअर बम्पर आपको मैट ब्लैक में मिलता है। नीचे आपको दोस्तों मिल जाता है कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट। कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है। स्पॉइलर आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाएगा एंड ऊपर आपको मिल जाती है सार्फिन एंटीना। अगर लेफ्ट साइड में आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल लीड। इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो ये आपका पेट्रोल वेरिएंट एंड 44 लीटर के इसमें आपको टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। सो दोस्तों, बात करें अगर इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको कोई पीछे बटन वगैरह देखने को नहीं मिलता, आपको अंदर से ही अनलॉक करना पड़ेगा या आप की के थ्रू भी इसे अनलॉक कर सकते हैं। देखिए ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो इस वेरिएंट में दोस्तों आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। चलिए कोई नहीं, आप चाहें तो कंपनी के थ्रू आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। एंड बूट स्पेस की बात करें तो आपको अच्छा खासा 382 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। लाइट्स दोस्तों आपको दोनों साइड देखने को नहीं मिलेंगी, कोई बात नहीं, बूट काफ़ी बड़ा है, सामान काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। बाकी यहाँ देखिए स्टेपनी व्हील की बात करें तो ब्रिजस्टोन का आपको टायर मिलता है एंड यहाँ पर आपको 195/60R16 का टायर साइज देखने को मिलता है स्टील व्हील रिम के साथ। बाकी टूल किट वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगी। एंड अंदर का दोस्तों बात करें ना, तो कुछ इस टाइप से इसमें आपको इंटीरियर का व्यू आने वाला है। ओवरऑल आपको उतना ही कुछ मिलता है इसके दोस्तों बूट में। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पहले इसके पीछे वाले डोर की एंड डोर पैनल की। तो ये आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको मैट ब्लैक में। ओपन करेंगे तो ये आपका सेकंड बेस वेरिएंट है दोस्तों। तो ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलने वाला है, पूरा ब्लैक कलर का। नीचे आपको स्पीकर की बात करें तो आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को जरूर मिलती है। बोटल स्पेस मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, चाइल्ड लॉक आपको यहाँ मिलता है, डोर ओपनर, यही सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये है इसका इंटीरियर। इंटीरियर की दोस्तों बात करें ना, तो देखिए पूरा ब्लैक कलर का आपको इसमें इंटीरियर, बट रूफ़ की बात करें तो आपको बेज कलर की रूफ देखने को मिलेगी।
एक बार कार के अंदर चलते हैं। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, हम कार के अंदर हैं एंड डैशबोर्ड को जिस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब पहले हम नी रूम की बात करेंगे, सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है क्योंकि कार चला के मैं लाया हूँ। तो देखिए फिर भी आपको इतना नी रूम मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। सीट बेल्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। बाकी ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग। कोई भी दोस्तों आपको बात करें ना तो ऊपर कैबिन लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, एंड एसी वेंट की प्लेसमेंट नहीं मिलती, बट मोबाइल रखने की जगह मिल जाएगी। बीच में आपको हम्प भी मिल जाता है, तो तीन लोग तो इजीली बैठ जाएंगे दोस्तों। सीट की और बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको बेंच टाइप की सीट देखने को मिलती है फैब्रिक अपोस्टी के साथ। दो हेडरेस्ट मिलते हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट भी मिल जाएगी। एंड यहाँ बात करें आइसोफिक्स, आपको सीट भी देखने को मिलती है दो। पीछे आपको दोस्तों कोई भी पार्सल ट्रे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको पूरा मतलब यहाँ पर आपको जो ग्रैब हैंडल से कुछ इस टाइप से हाइड हो जाते हैं, एंड ओवरऑल कुछ इस टाइप से इंटीरियर मिल जाएगा। तो आप बात करेंगे ड्राइवर साइड डोर की, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड ये है दोस्तों उसका डोर ट्रिम, जो कि आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ पूरा देखने को मिलने वाला है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं सेकंड बेस वेरिएंट में। देखिए डोर ओपनर मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, प्लस बोतल स्पेस। यहाँ आपको लाइट की जगह मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिरर सेट करने हैं, यहाँ से आप उन्हें सेट कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, फैब्रिक अपोस्टी के साथ आपको सीट्स मिल जाती हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। साइड में यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग, एंड इसमें आपको मिल जाते हैं शायद 6 एयरबैग या 4 एयरबैग, जो भी होगा मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा। की लगाने का स्पेस है, एंड यहाँ बात करें एसी वेंट की प्लेसमेंट। सो ओवरऑल इंटीरियर कुछ इस टाइप से, एक बार हम कार के अंदर बैठ कर बात करते हैं। सो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट प्लस का इंटीरियर, जो कि काफ़ी शानदार लगता है देखने में। ब्लैक कलर का आपको उसमें इंटीरियर देखने को मिलेगा, कोई भी आपको ड्यूअल टोन के एलिमेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तब तो कोई भी एडजस्ट वगैरह कर सकता है। तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो आपको देखिए नीचे से फ्लैट मिलता है, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेगा, टू स्पोक मिलता है। एक बार टाटा का लोगो मैं आपको ग्लो करके दिखाता हूँ, उसको जैसे ही बंद करूँगा तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो ग्लो करते हुए दिखाई देगा। लेफ्ट साइड की बात करें सारे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, राइट साइड आपको कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता दोस्तों। स्टीयरिंग देख लीजिए क्या क्या मिलता है आपको स्टीयरिंग में, तो स्टीयरिंग देखिए आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक्स तो नहीं है। वाइपर मिलते हैं, वो भी आपके नॉर्मल मिलते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। एंड ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पुरानी वाली आपका नेक्सन का है, काफ़ी अच्छा लगता है, डिजिटल है पूरा का प्यूरा। टीपीएम मीटर वगैरह आपको सब कुछ शो करेगा, अगर आपको आरपीएम मीटर, अगर आपको फ्यूल गेज एंड उसी के नीचे आपको दोस्तों टेम्परेचर मीटर भी शो कर देता है। सारी वार्निंग्स आपको यहाँ दिखाई दे देंगी, ट्रिप के कंट्रोल यहाँ से साइड वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही कुछ मिलता है, बाकी ये आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलने वाला है, साथ ही ये भी आपका पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो आपको 7 इंच की मिल जाती है, एंड दोस्तों जो कि आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायर के थ्रू। बाकी एसी वेंट की प्लेसमेंट देख लीजिए, एंड ये पार्ट आपको टेक्सचर प्लास्टिक में देखने को मिलेगा, साथ ही ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज मिल जाता है। नीचे देखो यहाँ पर आते हैं तो आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है, एंड ये पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। हजार्ड का बटन कुछ इस टाइप से बूट ओपन करने के लिए, एंड यहाँ बात करें तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड एक USB चार्जिंग पोर्ट, प्लस ये रहेगा आपका 5 स्पीड मैनुअल वेरियंट। ड्राइव स्मोड मिलते हैं आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट, साथ में 2 कप ग्लास होल्डर, कोई भी इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता दोस्तों, मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाएंगे। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हेडरेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही बात करें इसके कितना मैं रियर व्यू मिरर के, तो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, वाइट लाइट मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ देखिए ये जो आपको क्वालिटी मिलती है ना, थोड़ी सी मतलब टाटा के हिसाब से थोड़ी सी कम कर दी गई है, कोई भी आपको वैंटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ बात करें तो आपको वैंटी मिरर देखने को मिल जाएगा, एंड ग्रैब हैंडल्स ऊपर मिलते हैं, इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल कुछ इस टाइप से आपको इस कार का इंटीरियर देखने को मिलता है। आपको दोस्तों कैसा लग रहा है इस टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस का इंटीरियर, आप हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों इस कार ने ग्लोबली अनकैप टेस्ट में 5 स्टार स्कोर किए हैं चाइल्ड प्लस एडल्ट सेफ्टी में। साथ ही साथ ये दोस्तों आपकी रहेगी सेफेस्ट कार, एंड इसमें आपको मिलता है पेट्रोल इंजन। तो दोस्तों ओवरऑल आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आपका मतलब टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस सेकंड बेस वेरिएंट, एंड इसमें दोस्तों आपको मिलता है पेट्रोल इंजन, जो कि दोस्तों आपका आता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबरट्रॉन पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन। एंड पावर फिगर की बात करें दोस्तों, ये कार आपको निकाल के देती है 118 BHP एंड 170 Nm का टॉर्क, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे पावर फिगर है पेट्रोल इंजन के हिसाब से, है ना। तो दोस्तों ये आपका रहने वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ।
सो एक्स शोरूम में उसका बता चुका हूँ दोस्तों आपको 9,20,000 रुपये ऑनवर्ड पड़ती है, ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपये की। इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग या क्वायरी आपको दोस्तों करनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं समर्थ कार ग्वालियर को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों कार काफ़ी शानदार है, आपको दोस्तों ये कार कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।